लाल चांद भले ही टूट गया, लेकिन वो चांद तो अब भी है। हम इस चांद तक पहुंचेंगे कैसे? आसमान तक तो इश्क पहुंचाता है और चांद तक पहुंचाती है मीनारे इश्क। ठीक है, तो मैं वो चांद का टुकड़ा लाने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल नहीं अमन, जिन्नात और चांद की बहुत पुरानी दुश्मनी है। तुम वहां जाकर चांद का टुकड़ा नहीं ला सकते, ये काम सिर्फ अयाना कर सकती है। सिर्फ अयाना? अरे ये कौन सी बात है कि हर टास्क सिर्फ अयाना ही करे जा करके। मीनारे इश्क पर मैं और रोशनी साथ गए थे, तो ये चांद का टुकड़ा लाने के लिए भी मैं और रोशनी साथ ही जाएंगे। समझने की कोशिश करो अमन, अगर चांदनी वापस आ गई तो अकेले उसका मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें यहां रहकर मेरे साथ अपने घर वालों की हिफाजत करनी। सुनिए, मुझे एक सेकंड आपसे अकेले बात करनी है। आई वांट टू स्पेस मिस्टर खान, बहस का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। ताबीजी ने कहा कि चांदनी बुरी है, यानी लैला पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं जाके चांद का टुकड़ा लेकर आती हूँ। पर रोशनी, पर का वक्त नहीं है। आप ऐसे भी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी मुझे दोबारा नहीं देंगे, तो इससे बेटर यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहिए और मेरी अम्मी को, अपनी फैमिली को, सबको प्रोटेक्ट कीजिए, और मैं जाके चांद का टुकड़ा लेकर आती हूँ। रुके, मैं आपके साथ काले जंगल में नहीं जा सकती, पर मेरे क्लिप्स जाएंगे। ठीक है, बाजीगर आपके साथ जाएगा। पर रोशनी, आप ही ने कहा है कि बर्बाद करने के लिए हमारे पास वक्त है नहीं। बाजीगर चाहिए। मैंने तय कर लिया, मैं जाती हूँ। होशियार रहना, अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। लैला, वो मुझे पूछना था कि चांदनी के कोई बच्चे भी हैं क्या? नहीं, क्यों? तो फिर चांदनी ने मुझसे बच्चों का ख्याल रखने के लिए क्यों कहा? बच्चों का ख्याल रखना, हम दर्दी पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती, कुछ भी बोल सकती है, कितना भी बड़ा झूठ, कितनी भी बड़ी कहानी, लेकिन तुम इस सब में मत पड़ो। जल्दी जाओ और चांद का टुकड़ा लेकर आओ। लाडो, अकेले जा रही है बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखिएगा। मिस्टर मोटू, तुम कौन हो? मैं लोचा परी। लोचा परी? लोचा परी तो आज नहीं थी। मेरे पास तो बाजीगर भी नहीं है, मैं कैसे रुकूं? हम क्या करें अमन? जब तक अयाना लौट कर नहीं आ जाती, मैं इन दोनों को पूरी तरह से टूटने से बचाने की कोशिश करती। प्लीज। लेकिन उसके लिए मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ से चांद दिखाई देता। हाँ, ऊपर वाले कमरे से चांद दिखता है। ठीक है।
मुझे लगता है लैला ने अभी तक कोई एटीट्यूड बनाई नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज जाके अम्मी के पास रहिए। ठीक है अमन। मैंने कहा तो मुझे बिल्ली बना दो, लेकिन तुम भी बिल्ली नहीं बनी। तो प्लीज मुझे जल्दी से बिल्ली बना दो प्लीज। अच्छा हो गया, मुझे तुम्हारी शक्ल बदलनी थी, मेरी बदल गई। ये तो लिली परी का चेहरा है। या अल्लाह, तो लिली परी नहीं तुम चिली परी हो। अपना रियल फेस वापस लाओ। नहीं सिस्टर मोटू, अगर एक बार जादुई धूल किसी परी पे गिर जाए तो वो वापस नहीं बदल सकती। बहुत बड़ा लोचा हो क्या सर, ये छोटू किससे बात कर रहा है? पता नहीं, थोड़ी देर पहले मेरे केबिन में छुपा हुआ था और अब यहाँ खुद से बात कर रहा है। सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। अयाना मीनार पर है। खुशामदीद अयाना। मुझे अंदर जाना है। कितना होमवर्क बाकी है? अम्मी, 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 आफरा। हेलो भाई, अम्मी जहरार बन गई है। व्हाट? अम्मी, ताबीजी जहरार बन गए? जहरार कबीर के इशारों पर चलते हैं। ताबीजी जहरार बन गई, मतलब वो कबीर के कंट्रोल में है। मतलब उन्होंने चांदनी के बारे में झूठ बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें लैला पर नहीं चांदनी पर भरोसा करना चाहिए था?